हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। हमने अपने लास्ट वीडियो में जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें टॉपिक पढ़ा था हमने सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सेल्फ इंडक्शन का रिकैप करते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन में क्या पढ़ा था हमने, सेल्फ इंडक्शन में क्या पढ़ा था, अगर किसी भी एक सिंगल कॉइल में अगर करंट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, करंट को क्या करेंगे, इंक्रीज। अब करंट इंक्रीज होगा तो इस जो कोई लगा रहे थे इसको हम इंडक्टर बोलते हैं, सिंपली सोलेनोइड बोलते हैं, तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी वो भी इंक्रीज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपली बोल सकते हैं चेंज भी बोल सकते इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। और फ्लक्स जब चेंज होता है तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ भी इंड्यूस्ड। और ये ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो इसके करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगा, तो यहाँ पे एक और करंट बनेगा। इस करंट को क्या नाम दिया था हमने, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ऐसे अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे, अगर हम यहाँ पे करंट को डिक्रीज करें, करंट को डिक्रीज करेंगे, अगेन मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, अब डिक्रीमेंट की फॉर्म में। फ्लक्स विल ऑल्सो चेंज, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो करंट के डिक्रीज होने का क्या करेगा, फिर अपोज करेगा, तो इसको डिक्रीज होने से रोकेगा। यहाँ पे फिर करंट बनेगी, इस करंट को क्या नाम देंगे हम, इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम देंगे इसको, इंड्यूस्ड करंट। तो कल जो हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, वहां से हमें क्या पता चला कि जो सेल्फ इंडक्शन एक कोयल की ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें अगर कोयल में करंट को चेंज करेंगे, करंट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। और वो ईएमएफ बेटा क्या करेगा, इसमें करंट के चेंज होने का ही क्या करता है, खुद अपोज करता है, ठीक है, जो हमने फैराडे लॉ में पढ़ा था। अब म्यूचुअल इंडक्शन का मीनिंग क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है, दो कॉइल की कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी है, जिसमें अगर एक कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो दूसरे कॉइल में करंट बनेगा, और जो करंट बनेगा उसको क्या नाम देंगे हम, इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम देंगे उसको, इंड्यूस्ड करंट। तो म्यूचुअल इंडक्शन के साथ हम रिलेट करेंगे आज। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, पहले डायग्राम से समझते हैं। लेट अस कंसीडर टू सोलेनोइड्स, वन सोलेनोइड इज कनेक्टेड विद द बैटरी एंड अदर सोलेनोइड इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर, अदर सोलेनोइड इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर। जब इस कोयल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती है, डिफ्लेक्शन रिमेंस जीरो। लेकिन जैसे बेटा हम करंट इसमें की को टैप करते हैं, मींस जैसे हमने इसको की को क्या किया, ऑन किया, क्लोज किया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। पहले करंट बेटा कितना था, जीरो। जैसे ही टैप किया तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। और करंट इसमें जैसे इंक्रीज होगा, मैक्सिमम का मीनिंग क्या, करंट विल बी चेंज। अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज। तो देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस कोइल के साथ भी क्या होगी, रिलेट होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस फर्स्ट कोइल में वो सेकेंड कोइल के साथ भी बेटा क्या होगी, रिलेट होगी। अब इस कोइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ रिलेट है वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स बेटा क्या होगा, चेंज। अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल। तो यहां पे जो करंट मिलेगा उस करंट को बेटा क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम देंगे इसको, इंड्यूस्ड करंट। आई विल बी द इंड्यूस्ड करंट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स, ठीक है, वन कॉइल, ठीक है। वन कॉइल में करंट अगर चेंज होगा तो दूसरी कॉइल में बेटा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इसी इस ईएमएफ के कारण इसमें करंट अराइज होगा, और उस करंट को क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस्ड करंट। इस जो इनिशियल कॉइल इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी कॉइल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी सोलेनोइड, सेकेंडरी सोलेनोइड। तो इसके अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते लिख सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ,
इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल बाय चेंजिंग द करंट इन नेबरिंग कॉइल बाय चेंजिंग द करंट इन नेबरिंग कॉइल। तो इस फिनोमिना को बेटा क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, द फिनोमिना प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल, ठीक है, बाय चेंजिंग द करंट इन नेबरिंग कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में अगर करंट को चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो सिंपली वी कैन से दैट म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस द ईएमएफ बाय चेंजिंग द करंट इन द अदर कॉइल। दूसरी कॉइल में अगर करंट को चेंज करेंगे तो इस कॉइल में बेटा क्या मिलेगा, हमें ईएमएफ मिलेगा, और वो ईएमएफ प्रोवाइड करवाएगा इंड्यूस्ड करंट। इसके डायरेक्शन के लिए फिर हम क्या करेंगे, लेंज लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, अगर सेल्फ इंडक्शन एक सिंगल कॉइल की प्रॉपर्टी थी, करंट को क्या करेंगे चेंज करेंगे तो इसमें करंट अराइज होता है, इसको इंड्यूस्ड, दीज आर बोथ आर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस डायरेक्शन विल प्ले द रोल व्हेन दिस करंट विल इंक्रीज, और ये कब लोग रोल प्ले करेंगे, जब करंट क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था जो इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है वो टोटली इस करंट के ऊपर डिपेंड करता है जो इनिशियल करंट फ्लो कर रहा था। ऐसे हमने यहाँ पे दो कॉइल लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया है और सेकंड कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, सेकंड कॉइल कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। अब फर्स्ट कॉइल में बेटा देखो, अगर हम करंट को चेंज करेंगे, इफ आई विल बी चेंजेस, करंट अगर क्या होगा चेंज प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है टोटली इस प्राइमरी कॉइल के करंट के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं फिर बताओ एक्सप्लेन करता हूं कि जो सेकेंड कॉइल में, ये हमने मान लिया प्राइमरी कॉइल और इसको नाम दे देना सेकेंडरी कॉइल या सोलेनोइड्स। प्राइमरी कॉइल में अगर करंट को चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में बेटा क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा, और फ्लक्स क्या होता है देखो, phi is equal to b a cos theta, b totally depend upon the i। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी इसके साथ, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस कॉइल में जो करंट के चेंज होने के कारण, तो अगर करंट को इंक्रीज करेंगे तो b इंक्रीज, अगर b इंक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज, अगर करंट को डिक्रीज करेंगे तो b डिक्रीज, अगर b डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो कहने का मीनिंग के जो सेकंड कॉइल में हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा वो इसके चेंज होने के कारण क्या होगा, ये इसके चेंज होने के कारण क्या होगा, ये चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंपली फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी कैलकुलेट दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सिंपली भी बोल सकते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनोइड सेकेंड, सोलेनोइड सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू सोलेनोइड वन। फर्स्ट सोलेनोइड में जो करंट पास होगा, इस करंट पास होने के कारण इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा बेटा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस करंट पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस प्रोपोर्शनल सिंबल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, उस कॉन्स्टेंट टर्म को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या सिंपली बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां से m का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू फाइव अपॉन में i, m इज इक्वल टू फाइव अपॉन में i, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
ठीक है। इसी के बिहार पे बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, टू सोलेनोइड्स, दो जो लॉन्ग एक्सेल सोलेनोइड्स हैं उसमें हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। जैसे हमने लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसमें सेल्फ इंडक्शन फाइंड आउट किया था, एक तो पेन कोइल का और एक इसका फाइंड आउट किया था बेटा हमने सोलेनोइड का। तो दोनों से हमें क्या रिलेट किया था कि जो मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिज्म के कारण जो कि हिट हुआ था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण या मैग्नेटिक फील्ड लिंक होने के कारण जो हमारा इंडक्टेंस आया, उस इंडक्टेंस के लिए ना तो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड की थी ना करंट के ऊपर डिपेंड की थी, किसके ऊपर डिपेंड किया था, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स आए थे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आया था और मैग्नेटिक परमेबिलिटी आया था। सेम इसमें भी हम रिलेट करेंगे, तो जो म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फाई एंड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द करंट, इट विल डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, और सिंपली बोल सकते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब दो कोयल की रिलेटिव सेपरेशन पे भी डिपेंड करेगा, दोनों कोयल के रिलेटिव ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। रिलेटिव ओरिएंटेशन का मीनिंग है फर्स्ट कोयल सेकंड कोयल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसके भी ऊपर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। हम इसे आगे स्पेशल केस पढ़ेंगे टॉपिक्स के उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, फाइ एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ये क्या होता है हमारा माइनस डी फाई बाई डीटी। अगर यहाँ हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई, और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एम टाइम्स ऑफ डी आई बाई डीटी, माइनस एम टाइम्स ऑफ डी आई अपॉन डी टी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है। अगर हम बेटा इसमें बैटरी लगाएंगे, इसमें गैलेनोमीटर में, तो ये कहलाएगी प्राइमरी, ये कहलाएगी सेकेंडरी। तो इसमें कोई फिक्स नहीं कि ये कोयल के कारण सेकेंड में होगा, सेकेंड के कारण फर्स्ट में भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बताया था, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कोयल्स, दोनों कोयल की कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर एक में करंट चेंज होगा तो दूसरी कोयल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर दूसरी कोयल में करंट को चेंज करेंगे तो फर्स्ट में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसका बेटा जो यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिमिलर टू द सेल्फ इंडक्शन, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम इज द सेम एज दैट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एज दैट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो सेम रहेगा जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस को बताया, तो दैट इज इसकी यूनिट आई थी हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या आएगी हेनरी, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर वो भी क्या रहेगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा यूनिट्स की फॉर्म में, ठीक है। यूनिट आई थी आपकी हेनरी और वोल्ट एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर आया था, ऐसे उसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, वो रिक्वायर्ड डायमेंशन फॉर्मूला था सेल्फ इंडक्टेंस का, वही किसका होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो यू सिंपली वी कैन से दैट यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द सेम एज दैट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसी के भी यहाँ पे एक टॉपिक करेंगे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कोइल्स का। अब सोलेनोइड्स की बात करें, कोई भी दो सोलेनोइड है, ठीक है, इनिशियली हम जो उसकी ओरिएंटेशन लेंगे हम सेम एक्सिस लेंगे, उनका एक्सिस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। स्पेशल केस में हम बताएंगे किसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए मैक्सिमम होगी, किसमें मिनिमम होगी, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियली सोलेनोइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियली सोलेनोइड्स हैं, उनका हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। एम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वन विद रेस्पेक्ट टू अदर या सेकंड विद रेस्पेक्ट टू वन। तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम डिस्कस करते हैं, डायग्राम अच्छे से बनाना, हमने फर्स्ट सोलेनोइड मान ली, दिस इज द फर्स्ट सोलेनोइड, इसमें हमने करंट मान लिया I1, I1 भी था
टाइम वेरिंग करंट, इसमें जो करंट कंसीडर करना बेटा, मान लिया हमने टाइम वेरिंग करंट, ठीक है, इसको सोलेनोइड नाम दे दिया, फर्स्ट एस वन विद फर्स्ट सोलेनोइड। अब हमने सेकंड सोलेनोइड मान ली, दिस वन विद सेकंड सोलेनोइड, जो फर्स्ट सोलेनोइड से क्या पड़ी है, इसमें टाइम वेरिंग करंट आएगा I2, ये सेकंड सोलेनोइड S2 है, ठीक है। L क्या है, लेंथ ऑफ ईच सोलेनोइड, लेंथ ऑफ ईच सोलेनोइड। अगर हम फर्स्ट की रेडियस की बात करें तो ये आ जाएगा R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड, अगर हम सेकंड की रेडियस की बात करें देन R2 बी द रेडियस ऑफ सेकंड सोलेनोइड, R2 with the radius of second solenoid। तो हमने दो solenoid consider किए, दोनों को axis, को axis का meaning है, दोनों का जो axis है वो क्या है, same है, दोनों का axis क्या है, same है। तो सबसे पहले consideration लिखेंगे, S1 and S2 are the two coaxial solenoids। तो इसमें जो L है, अब consideration आएगा, L क्या मान लिया हमें, L be the length of each solenoid। Length of each solenoid। अब n1 और n2, n1 n2 क्या मान लिया हमें, number of turns of solenoids 1 and 2, number of turns in solenoids 1 and 2, r1 और r2 be the radius of solenoid first time सेकेंड। अब बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक कोइल में करंट को चेंज करवाएंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकंड में फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है। उस फ्लक्स के कारण हम क्या फाइंड आउट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फर्स्ट ले क्या करेंगे, तो फर्स्ट ले ठीक है, फर्स्ट ले टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट पासिंग इन सोलेनोइड एस वन, टाइम वेरिंग करंट पासिंग इन सोलेनोइड एस वन। एस वन जो सोलेनोइड है इसमें हम क्या करेंगे, टाइम वेरिंग करंट पास करेंगे, ठीक है। टाइम वेरिंग करंट इन सोलेनोइड एस वन मान लिया, हमने एस टू मान लिया क्योंकि इसमें फिर एरिया का केस आएगा, एरिया का केस हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है बेटा। तो S2 में अगर जो को मैग्नेटिक फील्ड करंट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन सोलेनोइड S2, S2 सोलेनोइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, हमें सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या आता है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। तो सेकेंड में कितना, बी टू इज इक्वल टू म्यू नोट एन टू आई टू लिख सकते हैं। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो सेकंड सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n2 है, लेंथ दोनों की क्या है, सेम है, तो इसको लिख सकते हैं और म्यू नोट n2 डिवाइडेड बाय l into में i2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन द सोलेनोइड s2। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी सेकंड सोलेनोइड में, तो यहां से फील्ड लाइंस बनेंगी और इसके अंदर से बेटा क्या करेंगे, पास होंगे। अब इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, फर्स्ट सोलेनोइड जो छोटी वाली सोलेनोइड है, ठीक है, मींस जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, उसमें क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड होगा। तो क्या लिखेंगे, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सोलेनोइड एस वन, S1 सोलेनोइड के कारण, S1 सोलेनोइड में इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, देखो क्या लिखेंगे, phi1 is equal to, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n1, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, b2, एरिया हमने मान लिया इसका a1, एरिया क्या मान लिया हमने a1। अब फ्लक्स का फॉर्मूला कहते हैं phi is equal to nba। अब सेकंड सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फर्स्ट सोलेनोइड में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कितना होगा, इसका फॉर्मूला कहता है phi is equal to nba। अब फर्स्ट का हमने फ्लक्स मान लिया phi1, अब फर्स्ट में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n1, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन चलेंगे हम b2, और इसका एरिया क्या मान लिया हमने a1। अब इसकी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, अब इसकी b2 की वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा हमें, phi1 is equal to n1 as it is, b1 की वैल्यू पुट करेंगे देखो म्यू नोट
एन टू डिवाइडेड बाई एल आई टू इन टू में ए वन, और लिख सकते हैं इसको फाइव वन इज इक्वल टू म्यू नोट एन वन एन टू डिवाइडेड बाई एल ए वन आई टू. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड एस वन. अभी बेटा एक रिसेंटली टॉपिक पढ़ा था मैं, देखो phi is directly proportional to y, इस कंसेप्ट को समझना आपने. phi is directly proportional to y, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकंड सोलेनोइड. अगर हम देखो फर्स्ट में करंट फ्लो करेगा तो सेकंड में आएगा. अब इस केस में क्या हुआ, करंट सेकंड में था तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन फर्स्ट सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द सेकंड सोलेनोइड. क्लियर है, इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था. अगर एक सोलेनोइड में करंट चेंज होगा या करंट फ्लो करेगा तो दूसरी कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा. तो इस कंडीशन में जो हम इनिशियली क्या मान रखा है, फर्स्ट लिख क्या लिखा है, जो टाइम वेरिंग करंट है वो सोलेनोइड S2 में फ्लो करेगा. S2 में करंट पास होगा तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा कौन सी कॉइल में होगा, फर्स्ट कॉइल में. और वो कौन से फिनोमेना के बिहाफ पे, ऑन द फिनोमेना बिहाफ ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो देखो हम यहां पे लिख सकते हैं phi1 इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा m, और इस m को क्या लिख दिया m12, इस m1 m को क्या लिख दिया हमने m12. m12 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 1 विद रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड 2, या फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा उसको डिनोट कर दिया हमने m12 से. तो क्या लिखेंगे, सो m12 कितना आ जाएगा, देखो phi1 डिवाइडेड बाय i2. m12 कितना आ जाएगा हमने phi1 डिवाइडेड बाय i2, और ये आप लिख सकते हैं m12 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सोलेनोइड S1 ड्यू टू सोलेनोइड S2. m12 क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सोलेनोइड S1 ड्यू टू सोलेनोइड S2 कितना आ जाएगा, m12 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट. जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया है जिस करंट ने, उन दोनों के रेशियो को क्या नाम दे दिया हमने, म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब phi1 के लिए हमें पता है, पुट कर दो क्या मिलेगा यहां पे, म्यू नोट n1 n2 a1 i2 डिवाइडेड बाय l. ये वैल्यू किस क्यों बेटा, phi1 की डिवाइड किसे करना है, i2 से, i2 से i2 कैंसिल. तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, m12 इज इक्वल टू म्यू नोट n1 n2 a1 डिवाइडेड बाय l, a1 डिवाइडेड बाय l. क्लियर है बेटा, क्या आएगा, म्यू नोट n1 n2 a1 डिवाइडेड बाय l. दिस इज द रिक्वायर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड ड्यू टू सेकंड सोलेनोइड. ऐसे ही हम अगर फर्स्ट सोलेनोइड में करंट को चेंज करवाएंगे, टाइम वेरिंग करंट फ्लो इन द सोलेनोइड फर्स्ट, तो सेकंड में क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड होगा किसके कारण, इस फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड के कारण. अब इसमें देखो थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस पड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस भी होगा अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसको. देखो क्या मिलेगा, अब क्या लिखेंगे, सेकेंडली क्या लिखेंगे, सेकेंडली टाइम वेरिंग करंट पासिंग थ्रू सोलेनोइड S2. अगर आई सेकेंड इसमें फ्लो करवाया ना, टाइम वेरिंग करंट पासिंग थ्रू सोलेनोइड S2, S2 के को हमने सोल्व कर लिया. अब क्या आएगा, S1, S1 के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप फर्स्ट सोलेनोइड में कितनी होगी, देखो क्या लिखेंगे, B1 इज इक्वल टू म्यू नोट N1 I1. यहाँ पे क्या लिखता, B2 इज इक्वल टू म्यू नोट N2 I2. इसका मीनिंग क्या, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन सोलेनोइड S2 ड्यू टू टाइम वेरिंग करंट I2 जो सेकंड में पास हो रहा है. ठीक है, अब ये इसको क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन सोलेनोइड S1 ड्यू टू टाइम वेरिंग करंट I1. अब N1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N बाय L. तो देखो B2 कितना आ जाएगा, B2 इज इक्वल टू म्यू नोट N1 डिवाइडेड बाय L इनटू में I1. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन सोलेनोइड फर्स्ट. फर्स्ट सोलेनोइड में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी. अब इस ये मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक होगी, सेकंड वाले के साथ. अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है, अब ये फर्स्ट सोलेनोइड का कॉमन एरिया है. अब इसमें जो फील्ड लाइंस होंगी वो ओनली इस रीजन में आएंगी. आगे बेटा समझ में, अब जो ऊपर वाला जो बड़ा एरिया बच गया, नीचे वाला पार्ट और नीचे वाला, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे. तो जो हम इस केस में जो एरिया लेंगे फ्लक्स का, वो इन दोनों का कॉमन एरिया लेंगे. कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फर्स्ट सोलेनोइड. तो देखो क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड S2. तो S2 में कितना आएगा, देखो phi2 इज इक्वल टू सेकंड सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स. इसमें मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट के कारण लिंक्ड हुई है. अब एरिया कॉमन एरिया क्या आ जाएगा, देखो ये फर्स्ट का सेकंड का एरिया है और ये फर्स्ट का एरिया, तो फर्स्ट का एरिया इसमें क्या आ जाएगा कॉमन. तो कितना आ जाएगा यहाँ पे I1, इसमें बेटा I1 था, इसमें वह, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस करेगा.
क्यों हुआ है? ये हमने छोटी सोलेनोइड मान ली, ये हमने बड़ी सोलेनोइड मान ली। अब देखो जब बड़ी वाली सोलेनोइड में करंट पास किया तो फील्ड लेंथ इसमें सारी से पास रहेंगे। जब छोटे वाले सोलेनोइड में जो S1 सोलेनोइड में करंट को पास करा तो इसमें फील्ड लेंथ पास होंगी। अब इसमें यहाँ पे जो रीजन बच गया, होलो रीजन बच जाते हैं इसके ऊपर नीचे आगे पीछे, इसमें से कोई भी फील्ड लेंथ नहीं जाती है। तो इसके कारण जो फील्ड फ्लक्स काउंट करते हैं वो इनके कॉमन एरिया में फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी A1 लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा बेटा A1, ठीक। इसको अच्छा आपको अच्छे से समझना। उसके बाद वही मेथड है, हम B1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ∅2 इज इक्वल टू N2 म्यू नोट N1 I1 म्यू नोट N1 I1 डिवाइडेड बाई L इंटू में A1, ठीक है। तो इधर से ∅2 कितना आ जाएगा, ∅2 इज इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 A1 डिवाइडेड बाई L इंटू में कितना आ जाएगा I1, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है बेटा। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनोइड सेकंड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू देम विल बी I1, ठीक है। ये हमारे पास ∅1 का फॉर्मूला थी, हमारे पास ∅2 है। उसके बाद क्या बेटा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे इसका सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे नाउ, M21 कितना आ जाएगा, ∅2 डिवाइडेड बाई I1। सेकेंड सोलेनोइड में जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कौन से करंट के कारण होगा, I1 के कारण। तो इन दोनों का रेशियो आगे क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया बेटा, क्योंकि इसमें I1 से I1 क्या हो जाएगा कैंसिल, M21 कितना आ जाएगा, ∅2 की वैल्यू और I1 से I1 कैंसिल। तो क्या मिलेगा हमें, म्यू नोट N1 N2 A1 डिवाइडेड बाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 4 को देख सकते हो, दोनों को राइट हैंड पार्ट को कंपेयर करेंगे, म्यू नोट N1 इंटू A1 अपॉन में L, म्यू नोट N1 इंटू A1 अपॉन में L, तो लेफ्ट हैंड पार्ट भी क्या हो जाएगी इक्वल। इसी थ्योरम को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। इसी थ्योरम को क्या बोलते हैं बेटा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। एग्जाम में डायरेक्ट प्रूव करवा लेते हैं, प्रूव द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, जो हमारी पूरा कंसेप्ट है इसी को हमने क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन। अब इसमें डिपेंडेंस देखते हैं किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसमें क्या लिखेंगे, फ्रोमिगेशन सेकेंड एंड फोर्थ। अगर सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन की बात करें तो क्या मिलेगा हमें, M12 इज इक्वल टू M21। दिस इज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब इसमें आते हैं डिपेंडेंस, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी डिपेंड। तो इसको हम मान सकते हैं M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M मान सकते हैं। तो जो M है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, देखो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्म्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर है भाई। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जो सेकेंड फैक्टर है म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द, देखो इसका एरिया A2 था, इसका एरिया A1 था, तो इसमें भी एरिया A1, इसका भी एरिया A1, तो हम सीधा लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द टू सोलेनोइड्स, कॉमन एरिया ऑफ द टू सोलेनोइड्स, दोनों सोलेनोइड्स का जो कॉमन एरिया है उनके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। थर्ड वाले फैक्टर की बात करें इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रिलेटिव सेपरेशन ऑफ टू सोलेनोइड्स, किसके ऊपर डिपेंड करें बेटा, रिलेटिव सेपरेशन ऑफ टू सोलेनोइड। अब देखो रिलेटिव सेपरेशन का मीनिंग क्या है, हमने इसका एक कॉइल को यहाँ पे गुट कर रखा था और इस कॉइल को इसके ऊपर, अब इनको अगर हम सेपरेट करते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, देखो इसको कॉइल को हम नीचे ले आए थोड़ा सा, इसको फॉर एग्जाम्पल हमने मान ली ये जो सेकेंड सोलेनोइड थी और हम इसको यहाँ पे ले आए थोड़े फर्स्ट सोलेनोइड को यहाँ पे ले आए, तो इन्हें जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी तो उस केस में M की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। M की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे ले आते हैं तो उस केस में क्या होगा, M की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों को जितना हम सेपरेट करेंगे उतनी ही M की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो रिलेटिव सेपरेशन का मीनिंग क्या है, इन दोनों को कितनी डिस्टेंस पे क्या करें, सेपरेट करें, ठीक है। जो थर्ड फैक्ट फोर्थ फैक्टर आता है also depend upon the relative orientation. relative orientation का meaning क्या है, इस केस में
इस केस में अगर दोनों का एरिया, दोनों का एक्सिस कॉमन है, मींस दोनों का एक्सिस कॉमन है, तो यहाँ पे जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा बेटो क्या मिलेगा, मैक्सिमम, क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अभी हमने कहा इसको एक कॉइल, फर्स्ट कॉइल को नीचे लेके जाएंगे, सेकंड कॉइल को ऊपर लेके जाएंगे, सेकंड कॉइल को नीचे लेके आएंगे, फर्स्ट कॉइल को ऊपर लेके जाएंगे, तो उस केस में हमारे MQL क्या डिक्रीज होगी। अगर हम क्या करते हैं, जो MQL पूछे भाई मिनिमम कब होगी, जब हम फर्स्ट सोलेनोइड, चाहे हमने कोई सी से फर्स्ट मान ले और सेकेंड सोलेनोइड को परपेंडिकुलरली पुट करते हैं, तो इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम किस कंडीशन होगा, व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब दोनों क्या, दोनों का एक्सिस क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों का एक्सिस क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो जो फोर्थ फैक्टर आता है, देखो फोर्थ फैक्टर हम अपने आप बता सकते हैं किस पर डिपेंड करेगा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या था, फाई इज इक्वल, सॉरी एम इज इक्वल टू फाई अपॉन में आई। तो हमने इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं लिखा है कि भाई ये फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ये करंट पे डिपेंड करता है, नाइदर डिपेंड अपॉन द फ्लक्स नॉट डिपेंड अपॉन द आई, इट विल डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्रिकल, ठीक है, फैक्टर्स लाइक हम इसको एरिया भी बोल सकते हैं, रेडियस भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, रिलेटिव ओरिएंटेशन एंगल पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, और मीडियम किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो बेटा ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, तो EMI हो गया, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट मिले तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।